क्लेरेंट केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि CLN इंडिया के सिंबल है इसका NSE का, एक सॉलिड कंपनी है जो कि केमिकल्स बनाती है एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, कोटिंग्स, पेंट्स और होम केयर, इन सब सेगमेंट को कैटर करने के लिए। बहुत ही दमदार स्टॉक है, बट वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। ये जो स्टॉक है ये 6 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, जबकि आप सेक्टर का पी देखेंगे तो अराउंड 31 का प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है। पिछले साल कंपनी ने 205 रुपए का डिविडेंड दिया, जिसमें 140 रुपए का स्पेशल डिविडेंड था। तो इस तरह के इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है एक तो। फिर जून क्वार्टर के नतीजे भी देखेंगे तो बेहद ही दमदार थे। 14 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 3 करोड़ का पैट था जून में, और इस साल मार्च क्वार्टर में 10 करोड़ का पैट था। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 53%, एक जीरो डेट कंपनी है, और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 51% की हिस्सेदारी है। कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं है, और बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस वो अराउंड 2.6% इसमें ओन करती है। मुझे लगता है ये जो 578-580 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बहुत ही सस्ता है। इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह, मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 600 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 565 रुपए का। डिशमन कार्बोजन डीकेएल, इसको खरीदने की सलाह 200-280-203 ये रेंज में मिल रहा है। 203 ही पकड़िए, 203 के आसपास इसको खरीदिए। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दीप 180 का। ऊपर में जो इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा दैट वुड बी 234, सेकंड टारगेट रहेगा 252। 234-252 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे डिशमन कार्बोजेन को। बढ़िया चार्ट सेटअप है दीपांशु, इसमें एक अच्छा खासा हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिला था स्टॉक में, उसके बाद अच्छी तेजी आई है स्टॉक में। 140 से लेकर दीप अगर आप देखें तो 225 तक ये स्टॉक गया, फिर से करेक्ट होकर ये 200 नेमा को रिटेस्ट किया। इंडिकेटर्स जो काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके थे उसमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिला है, और वॉल्यूम्स भी फिर से धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।